जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल होलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स हमाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक आप सभी को भारत रत्न भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विशेष आयोजन पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। एक ऐसा ही आयोजन यहाँ राजस्थान के सुजानगढ़ में भी आयोजित हो रहा है। ध्वजाएं हाथ में लिए बाबा साहेब की और हजारों की संख्या में युवा बड़े जोश के साथ एक रैली यहाँ पर निकाल रहे हैं। आइए इस रैली का अवलोकन करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर विशेष जुलूस रैली निकल रही है और जोश के साथ माहौल ध्वजाएं हाथ में लिए और ये पुराना बस स्टैंड का दृश्य है जहां से दोनों रैलियां एक होकर एक साथ रैली आगे बढ़ती है। बाबा साहेब की जयंती पर जोरदार रैली निकल रही है। बच्चे बूढ़े जवान सभी जोश में नजर आ रहे हैं। जहां जय भीम जय भारत का नीला ध्वज लहरा रहा है, साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहरा रहा है। बाबा साहेब की जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये हमारे भारत का भविष्य और ये देखिए जोश भरा माहौल, रैली आगे बढ़ रही है। मैं आज बाबा साहब के जयंती पर सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और हमेशा की बात ही इस बार भी बहुत सारी भारी संख्या में ये दलित वर्ग के लोग और सब सर्व समाज के लोग आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। जगह जगह रैली पर पुष्प वर्षा की जा रही है, जोरदार पुष्प वर्षा यहाँ पुराना बस स्टैंड पर पहुँचते ही की जा रही है। पुष्प वर्षा की जा रही है। रैली यहाँ पुराना बस स्टैंड पहुंचते ही जोरदार पुष्प वर्षा के साथ स्वागत यहाँ पर हुआ है। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा भी यहाँ रैली का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शानदार जुलूस यहाँ सुजानगढ़ की सड़कों से गुजर रहा है। जोश भरा माहौल है, नीला गुलाल उड़ रहा है। रामकुमार जी मेघवाल वकील साहब मेरे साथ में, क्या कहेंगे सर, किन शब्दों में शुभकामनाएं देंगे? आज बाबा साहेब अंबेडकर जयंती का जो उत्साह है लोगों के अंदर, मैं इस अम्बेडकर जयंती के मौके पर सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा जो जिले का आंदोलन चल रहा है धरना स्थल पर, आज हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस रैली के ऊपर पुष्प वर्षा करके इनका स्वागत किया है और मैं इस रैली के अवसर पर इन भीम अनुयायियों को ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो हमारा सुजला जिले का जो आंदोलन चल रहा है, इसी जोश और जुनून के साथ इसी आंदोलन में भी भाग लें ताकि जल्दी ही हमारा सुजला जिला बन सके। एक बार पुणे में अम्बेडकर जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की झांकी, संविधान उन्होंने हाथ में लिया हुआ है और जोरदार देखिए जश्न का माहौल यहाँ सुजानगढ़ में नजर आ रहा है।
जोरदार जश्न का माहौल। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जोरदार जश्न यहां सुजानगढ़ की सड़कों पर चल रहा है। पूर्व आईएएस राजेंद्र कुमार जी नायक भी बड़े जोश में नजर आ रहे हैं, किन शब्दों में शुभकामनाएं देंगे? आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मैं सभी देशवासियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग रह रहे हैं उन सबको 133वीं बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक महान पुरुष था जिसने भारत का नाम ऊंचा किया है। कोलंबो यूनिवर्सिटी में इनको स्टैच्यू ऑफ विजडम कहा गया है। हमें गर्व है एक ऐसे इंसान पर जिन्होंने भारत का संविधान दिया है और समानता का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत की एकता अखंडता के बहुत जोर से करते थे। उन्होंने दो संविधान की, कश्मीर के लिए अलग से प्राविधान की बहुत आलोचना की। उन्होंने तिब्बत को जब इंडिया ने चाइना को दे दिया उसकी भी आलोचना की, तो वो तो एक बृहद भारत के महान सपूत थे। और इसी पर मैं आप सबको, सुजानगढ़ वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय राजस्थान, जय भारत। रैली बड़े जोश और उत्साह के साथ यहाँ सुजानगढ़ के मुख्य मार्ग से गुजर रही है। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। रंगीन गुब्बारों से मार्ग को सजाया गया है। जोरदार रैली निकल रही है। विशाल रैली निकल रही है। जहां भारी संख्या में पैदल लोग चल रहे हैं, वहीं बाइक्स पर भी काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। जोरदार रैली यहां सुजानगढ़ के मार्गों से गुजर रही है। झांकियां भी सजाई गई है। बाबा साहेब की झांकी
बाबा साहेब के, जहाँ की जगह जगह स्वागत और अभिनंदन। पुष्प वर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है।